की जय हो, भारत माता की जय हो। मेरे साथ उपस्थित मोहनलाल बरोली जी, जो हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी हैं, हमारे कृष्ण बिंदा जी, जो हमारे लोकप्रिय विधायक हैं, राजू मोहन जी, जो हमारे जिला के अध्यक्ष हैं, और अनुराधा जी, जो नगर परिषद की अध्यक्षा हैं, और यहाँ इतनी बड़ी संख्या में हमारे बुजुर्ग नौजवान और हमारे सभी साथीगण और मीडिया के मेरे साथीगण, आज मैं यहाँ जींद में सोनीपत लोकसभा से हमारे मोहनलाल बरोली जी के लिए आपका आशीर्वाद मांगने के लिए आया हूँ। मित्रों, आप बताइए, आपका आशीर्वाद मिलेगा ना? मित्रों, यह मोहनलाल बरोली जी को जिताना ये जींद के लिए भी आवश्यक है, ये सोनीपत के लिए भी आवश्यक है, हरियाणा के लिए भी आवश्यक है, और ये सबसे ज्यादा आवश्यक इसलिए है कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हम विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने जा रहे हैं। बोलो, मोदी जी के नेतृत्व में देश मजबूत हुआ कि नहीं हुआ? बोलो, मोदी जी के नेतृत्व में देश की फौजों को ताकत मिली कि नहीं मिली? आज सरहद मजबूत है कि नहीं है? देश सुरक्षित है कि नहीं है? देश आगे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? और देश आत्मनिर्भर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आज भारत मोदी जी के नेतृत्व में 11वें नंबर से बढ़कर के 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गई कि नहीं बन गई? बन गई कि नहीं बन गई? अब मोदी जी को तीसरी बार जिताना है, प्रधानमंत्री बनाना है, और भारत को तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनाना है। आज हम आत्मनिर्भर हो रहे हैं। दवाई में हम दुनिया को एक्सपोर्ट करने वाले दूसरे नंबर का देश बन गए। केमिकल्स में हम दूसरे नंबर का देश बन गए। इस्पात स्टील बनाने में भारत दूसरे नंबर का दुनिया में देश हो गया। मोबाइल जो हम चाइना से लेते थे, कोरिया से लेते थे, ताइवान से लेते थे, जापान से लेते थे, आज भारत 97% मोबाइल भारत में बना रहा है, आत्मनिर्भर हो रहा है। इसलिए बताओ, देश मजबूत हुआ कि नहीं हुआ? और आगे बढ़ा रहा है कि नहीं बढ़ा रहा है? अब बताओ, मोदी जी के राज में गांव मजबूत हुआ कि नहीं हुआ? गांव मजबूत हुआ कि नहीं हुआ? हर गांव में पक्की सड़क पहुंची कि नहीं पहुंची? आप बताओ, 1.5 लाख गांव पंचायतों में ऑप्टिकल फाइबर पहुंचा कि नहीं पहुंचा? पहुंचा कि नहीं पहुंचा? आज सब्जी वाला भी अब डिजिटल ट्रांजैक्शन करता है, डिजिटल ट्रांजैक्शन। यह बदलता भारत है। आप बताइए, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में भारत की गरीबी 25 करोड़ लोग गरीबी के रेखा से ऊपर उठ गए कि नहीं उठ गए? आगे बढ़े कि नहीं बढ़े? आप बताइए, हमारी महिलाएं सशक्त हुई है कि नहीं हुई है? उज्ज्वला योजना मिला कि नहीं मिला? उजाला योजना आया कि नहीं आया? सौभाग्य योजना आया कि नहीं आया? आयुष्मान भारत में साधारण गरीब को 5 लाख रुपए का गंभीर बीमारी से लड़ने का मोदी जी ने प्लान किया कि नहीं किया?